अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं, लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, आई हियर बाय प्लीज टू अपॉइंट यू एज चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस विद इमीडिएट इफेक्ट। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडियन यूथ कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल डिवोट योर सेल्फ time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji in charge Indian Youth Congress and Sri Srinivas BV the president. Ab bataiye, ab hamara seedhe unse sawal hai, agar ye RTI cell ka chief tha to aaj desh ki har janta ka ye right to information hai ki Congress party ke sath इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, यह श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हमारे दो तीन प्रमुख सवाल है। नंबर वन, ये जो पैसा बरामद हुआ है यह पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पज से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम यह साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। ये तीन सवाल देश की जनता के सवाल